चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बिजनेस स्टडी में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू। जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 10 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं उसके आगे से। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें डैश सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज अ डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए है मुद्रा मनी, बी है मशीन, सी है मनुष्य और डी है मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मशीन्स। मतलब प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज। ऑप्शन ए है स्टाफिंग, बी है मोटिवेशन, सी है ऑर्गेनाइजेशन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोटिवेशन, अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 13, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4। मतलब जो जॉर्ज आर टेरी हैं उनके अनुसार प्रबंध के चार कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कुल 5 कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी है मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी है निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा, लोअर लेवल मैनेजमेंट, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, समन्वय है कोऑर्डिनेशन इज। ऑप्शन ए है ऐच्छिक वॉलेंटरी, बी है आवश्यक नेसेसरी, सी है अनावश्यक अननेसेसरी और डी है समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नेसेसरी आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 17, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन ए है समूहों के मध्य बिटवीन ग्रुप्स, बी है विभागों के मध्य बिटवीन डिपार्टमेंट्स, सी है प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 18, प्रबंध के कितने स्तर हैं, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। प्रबंध के जो स्तर हैं वो हैं 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रबंध है, मैनेजमेंट इज इंडिया इज। ऑप्शन ए है नेसेसरी, बी है अननेसेसरी, सी है लग्जरी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नेसेसरी, भारत में प्रबंध आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स।
ऑप्शन ए इसमें दिया गया है हेनरी फ्योल, बी है लॉरेंस एपले, सी है एफ डब्ल्यू टेलर, डी है आर सी डेविस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉरेंस एपले। मतलब लॉरेंस एपले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एपले मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी लॉरेंस एपले। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।